हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमी शॉर्ट्स। दोस्तों, ये एक हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके जरिए जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स न्यूज़पेपर में आती हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, बट जब आप रूटीन कोई लेक्चर्स लेते हैं या फिर आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं उसमें उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आती हैं या फिर वो दी नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें मंडे टू फ्राइडे 9 बजे हम आपके साथ लेकर के आएंगे इकोनॉमी शॉर्ट्स का एक वीडियो जिसमें हम कोई एक टर्म या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कोई 1 घंटा या 2 घंटा नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट्स में हम उस टर्म या उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि आपको ओवरऑल जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने में और समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। आज हमारा पहला लेक्चर है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रीन बॉन्ड्स को। तो ग्रीन बॉन्ड्स को समझने से पहले बॉन्ड्स को समझते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो अगर आप बॉन्ड्स की बात करें तो आप ऐसा समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए गवर्नमेंट एक मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने वाली है, बट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है, यानी कि उसको कैपिटल की जरूरत है। तो वो पैसा कैसे रेज करे, उसको लोन चाहिए, तो लोन या तो वो बैंक से जाकर के ले सकती है, एक तो वो तरीका है डेट रेज करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपको जनरल पब्लिक से चाहिए पैसा, मार्केट से चाहिए, या फिर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहते हैं या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करना चाहते हैं, तो आप क्या इशू करते हैं, एक पेपर इशू किया जाता है जिसको हम कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच अ बोरोवर रेजेस लोन और डेट फ्रॉम एन इन्वेस्टर। बोरोवर कौन हुआ इस केस में, गवर्नमेंट, जिसको कि पैसा चाहिए था, तो वो लोन रेज करता है किससे, इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर कौन होगा, जो कि पैसा प्रोवाइड करेगा या लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये होता है बॉन्ड। और बॉन्ड में क्या होता है, इस कागज के टुकड़े में, पेपर में क्या होता है, इसमें होगा कि लोन का अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट जिसको कि कहते हैं कूपन रेट, उसका कूपन रेट क्या होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का क्या मतलब हो गया कि कितने साल तक आपको उस पर कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी उस दिन आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा आपने उस बॉन्ड में लगाया है, वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो तो होता है बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या है, वो ग्रीन पेपर का होगा, नहीं। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है जो भी बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या, जो प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, उनके लिए पैसा लेने के लिए जो बॉन्ड्स रेज किए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये ग्रीन बॉन्ड्स की डेफिनेशन है जो मैंने बताया आपको। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पेसिफिकली रिजर्व टू रेज मनी फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट्स। दे टिपिकली कम विद टैक्स बेनिफिट्स सच एज टैक्स एग्जम्पशन एंड टैक्स क्रेडिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो मान लीजिए उनसे रिटर्न आएगा इन्वेस्टर को, तो उस पर कुछ टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा, या जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएगा। जैसा कि आप PPF वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं। सबसे पहले किसने इशू किए थे ग्रीन बॉन्ड्स, वर्ल्ड बैंक ने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे, रिलीज किए थे, और वो इसका मेजर इशूअर है। फायदे क्या हैं, ग्रीन बॉन्ड्स क्यों इशू किए जाते हैं, क्यों कंपनीज या फिर गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन बॉन्ड्स इशू करती हैं। सबसे पहला फायदा क्या है कि उस जो भी बॉन्ड्स इशू कर रहा है कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट लोन लेने के लिए, अगर ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रहा है तो उसकी रेपुटेशन एनहेंस होती है। जो इन्वेस्टर्स हैं, एक मार्केट में एक संदेश जाता है कि हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। सेकेंडली, आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, बैंक जिस रेट पे देगा उससे कम इंटरेस्ट रेट पर आपको बाहर से लोन मिल जाएगा। तीसरा, जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो अब ग्रीन बॉन्ड्स की तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहा है, वो सपोर्ट करना चाहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो उनकी जो भूख है वो इन्वेस्ट करने की इन ग्रीन बॉन्ड्स, उसको भी आप मिटा सकते हैं। और चौथा, दे हैव बीन क्रूशियल इन इंक्रीजिंग द फाइनेंस फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कि रिन्यूएबल एनर्जी में आपको कोई प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, रिन्यूएबल सोलर पावर मान लीजिए प्लांट लगाना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हुआ है, तो रिन्यूएबल एनर्जी है,
है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इन सब में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, तो हमने जो है आज समझा ग्रीन बॉन्ड्स को, कल फिर से मिलेंगे एक और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।